खीर तो वैसे कई तरीके से बनाई जाती है, पर आज यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल से बनी हुई खीर। ये बहुत ही टेस्टी होती है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं यहाँ डाल दूँगी 1 लीटर उबला हुआ दूध। इसे मैंने ऑलरेडी उबाल के ले लिया है, अब हम इसे बस गर्म करेंगे। तब तक हम यहाँ पे चावल ले लेंगे। यहाँ मैंने 2 मुट्ठी चावल लिए हैं, इसे अच्छे से धो के इसे भिगो के रखा है मैंने। मेरे पास थोड़े लंबे चावल थे, आपके पास अगर बारीक थोड़े बारीक चावल हो वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 1 स्पून देसी घी डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसके अंदर ये धो के रखे हुए चावल डाल देंगे। इसे बस हल्का रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमें कलर नहीं चेंज करना है, बस जो चावल का पानी है वो सूखना चाहिए। ये हो चुका है, अब हम इसे मिक्सी जार में निकाल के ले लेंगे। और ये देखिए मैंने इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, हमें बस इतना ही उसको रोस्ट करके लेना है। और इसे अब हम मिक्सी में दरदरा पीस के लेंगे, इसकी पाउडर नहीं बनानी, बस 2 या 3 बार बस चला के बंद करो, चला के बंद करो, ऐसे करना है। ये देखिए आपको इतना ही बारीक करके लेना है। अब तब तक हमारा यहाँ दूध भी अच्छे से उबल चुका है, ये देखिए गैस का फ्लेम लो करके इसके अंदर अब हम 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। हम पानी इसीलिए डाल रहे हैं ताकि जो दूध है वो नीचे जले नहीं, क्योंकि हमें इसे उबाल के गाढ़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा पानी ना डाले इसमें। अब ये जो हमने मिक्सी में चावल बारीक करके लिए थे वो चावल हम इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स करके ले ले। और अब इसे अच्छे से हमें एक 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए दूध हल्का गाढ़ा हो चुका है, पर इसके जो चावल है वो अभी तक पके नहीं है, तो हमें इसे और पका के ले लेना है। अब इसे हम और 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये देख सकते हैं आप, चावल अभी तक पूरी तरह से पके नहीं हैं, तो एक 10 से 15 मिनट के लिए और हम इसे पकने देंगे। अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैं इसमें थोड़े काजू डाल रही हूँ और थोड़े भिगोए हुए बादाम जो मैंने बारीक टुकड़ों में कट करके लिया है वो डाल रही हूँ। और अब इसके साथ हम इसी स्टेज पे इसमें कुछ धागे केसर के डाल देंगे। ऐसे करने से दूध उबलने के साथ ही जो केसर का कलर है वो दूध में बहुत अच्छी तरीके से उतर जाएगा, हमें सेपरेटली दूध और केसर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। अब इसके साथ मैं यहाँ 1/4 कप शक्कर चीनी इसमें मैं डाल दूँगी, आप चीनी आपके स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मिक्स करके ले ले अच्छे से। अब हमें दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक और पका लेना है। ये देखिए देखिए हमारा दूध आधा हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो दूध मसाला होता है वो डाल रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का दूध मसाला, मिल्क मसाला जो होता है वो डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके ले ले। इसके अंदर इलायची भी है तो मैं अलग से इलायची पाउडर नहीं डालूंगी। ये देखिए हमारा दूध कितना गाढ़ा हो चुका है, साथ में ही हमारे चावल जो है वो भी अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा गाढ़ी खीर पसंद है तो इसे और एक 5 मिनट के लिए आप गैस पे रखिए, मुझे ऐसी ही पसंद है इसलिए मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब हम सर्व कर लेते हैं, ये देखिए। और खीर ठंडी होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, ये देखिए मैं इसके ऊपर थोड़ा मिल्क मसाला जो है वो स्प्रिंकल करके लूँगी। तो देखिए हमारी चावल की खीर बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।